हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। लास्ट वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे लास्ट वीडियो नहीं देखा तो अभी इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है, देख सकते हो। इसमें हम लोग सीलिंग लाइट बना रहे हैं। ओके, बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा वीडियो है, तो शुरू करते हैं। लाइट बनाने के लिए हम लोग इसमें स्फेरिकल लाइट बना रहे हैं, तो स्पीयर ले रही हूँ मैं। स्पीयर लो, उसको एडजस्ट करो, फोर व्यूज से बराबर से देखो तो वो एडजस्ट हो जाएगा। फोर व्यूज से देखना ज़रूरी है। ओके, फिर इसको मैं स्लाइस ले लेती हूँ। रिमूव टॉप कर दिया, और स्लाइस को ना मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ स्लाइस प्लेन पे क्लिक करके। ये देखो, जितना भी चाहिए। फिर अभी इसका ना वो जो सॉलिड रहता है ना, साइड पार्ट वाला स्टील का मटेरियल, कोई भी हम लोग प्लास्टिक वगैरह जैसा भी चाहिए हम लोग लगा सकते हैं। ये मैं सर्कल से बना रही हूँ। शेप्स में जाके सर्कल पे क्लिक कर लो, जो लाइन के नीचे ही रहेगा। इसको भी एडजस्ट कर लो। और रेंडरिंग में इनेबल कर लो रेंडरर व्यूपोर्ट दोनों, और इसका साइज वगैरह जैसा भी चाहिए एडजस्ट कर लो। थोड़ा थिक ही रखना, तो स्टील वगैरह लगाने के बाद दिखेगा, थोड़ा सा थिक रहे। ओके, तो इसके जो साइड वाला पार्ट है, इसके लिए मैं स्टील मटेरियल बना रही हूँ। तो स्टील मटेरियल के लिए नॉर्मल वीरे एमटीएल ले लिया है, और उसमें इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लो। डिफ्यूज़ ब्लैक, रिफ्लेक्शन वाइट, फ्रेजनल ऑफ, ग्लॉसिनेस 0.9। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। और फिर इस पे ना मैं नॉर्मल ऐसे लाइट मटेरियल लगाऊंगी, इसमें एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई अलग से टेक्चर नहीं, डायरेक्ट लाइट मटेरियल। हीरे लाइट मटेरियल लिया, असाइन कर दिया। जितना भी ब्राइटनेस चाहिए यहाँ से चेंज कर सकते हो, और जो कलर के आगे जो बॉक्स है उससे कोई भी कलर ले सकते हो। उस पर क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए इजी रहेगा। कॉपी के लिए शिफ्ट एंड ड्रैग, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करो, और जिस एक्सिस में चाहिए उस एक्सिस में ड्रैग करो। ये देखो रेंडर के बाद कैसा दिख रहा है, सीलिंग लाइट्स। ओके, ये लैम्प कैसे बनाना है ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।